हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 1 और मैं नहा के आ चुकी हूँ। और अभी मुझे बनाना है खाना। तो मैंने कल रात को डोसे का भिगो के रखा था, ये चावल और दाल भिगो के रखी थी। वैसे हम रवे के भी डोसे बना सकते हैं, लेकिन मैं चावल और उड़द की वाइट दाल भिगो के रखती हूँ। तो मैंने वो कल भिगो के रखी थी, सुबह मैंने पीस ली सुबह जल्दी उठकर। और अभी मैं डोसे बनाने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं मैं डोसे कैसे बनाती हूँ वो। तो मैं उसके लिए कुछ अलग चटनी नहीं बनाने वाली हूँ, जैसे कि हम कोकोनट चटनी बनाते हैं या सांभर बनाते हैं, कुछ भी। मैंने क्या किया, तो मैं जब चावल और दाल पीस रही थी तो मैंने उसमें ग्रीन चिली डाल दी थी, तो इसलिए मुझे अभी कोई चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मुझे लगा तो मैं शायद बना भी लूँगी, पता नहीं। बट मुझे मतलब डोसा ऐसा ही गर्म गर्म खाने में मज़ा आता है, जब बनता रहता है तभी मैं खाती रहती हूँ, तो इसलिए मैंने उसमें ग्रीन चिली डाल दी है। तो चलिए बनाते डोसे और फिर देखते दिन भर क्या करना है वो। तो मुझे पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा, लेकिन देखते कैसा जाता है। तो चलिए मैं आपके साथ पहले डोसे दिखाती हूँ। पहले आप देखिए डोसे, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको। अभी शाम के 4 बज चुके हैं और मैं सोई थी, सो के उठी हूँ। और आप लोगों ने देखा मैंने डोसे बना के खाए, फिर उसके बाद मैं सो गई थी, फिर उसके बाद राज आए थे घर पे अभी, तो फिर इसीलिए मैं उठी, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। लेकिन राज बोले मैं आता हूँ चाय बनाओ, तो मैंने चाय रखी, तो फिर चाय पी तो नींद उड़ गई। और वैसे भी अच्छा हुआ मुझे उठना ही था, क्योंकि मुझे एक वीडियो शूट करना था जो कि शायद इससे पहले आपको मिल जाएगा। तो वही, और अभी देखते हैं आगे का दिन कैसे जाता है वो। और मुझे ना आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। एक्चुअली होता क्या है ना, अपने इंडिया में जब हम प्रेग्नेंट रहते तो सोनोग्राफी में बताते नहीं है कि बॉय है कि गर्ल है, ये कुछ बताते नहीं। लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे बता देते। तो जब मुझे 3रा मंथ चल रहा था ना, तभी मुझे पता चला था कि यहाँ पे बता देते। और मुझे जानना भी था, मतलब ऐसे क्यूरियोसिटी रहती है मन में कि क्या होगा। सो उस टाइम पे ऐसा लगता है स्टार्टिंग में ना, हमें क्या होगा क्या होगा।
तो मुझे जानना था, लेकिन राज ने नहीं जानने दिया। उन्होंने नहीं बोला था, वो मतलब वो चाहते थे कि सरप्राइज रहे, तो मैंने सोचा था मैं डॉक्टर से पूछूं, लेकिन उन्होंने नहीं जानने दिया, तो मुझे जानना था। और अभी क्या होता है ना, अभी 9 मंथ है, तो थोड़ा बहुत समझ में आता है सबको, थोड़ा सा मेरा ज़्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा पेट दिखता है मेरा। तो हम लोग लिफ्ट में ऊपर नीचे अगर जाते हैं या कहीं पे भी जाती हूँ, तो सब लोग पूछते हैं क्या है क्या है। मतलब यहाँ से लोगों को नॉर्मल है ना ये सब चीज़ें, कि पता होता है कि क्या है, बॉय है कि गर्ल। तो वो हमें पूछते हैं कि प्रेग्नेंट है, 9 मंथ है, तो क्या है, आपको तो पता होगा। तो हम बोलते हैं हमें नहीं पता है, तो बोलते क्यों यार बताया नहीं आपने, पूछा नहीं आपने। तो फिर हम बोलते नहीं हमने सरप्राइज रखा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, तो मैं तभी शेयर करना चाहती थी। फिर मैंने सोचा कि सब लोगों को ऐसा लगेगा उस टाइम पे कि मुझे शायद पता होगा, बट नहीं मुझे नहीं पता। हाँ पता हो सकता था अगर राज हाँ बोलते तो, लेकिन राज ने नहीं बोला, डॉक्टर मतलब बता देता तुरंत, लेकिन राज बोले नहीं सरप्राइज ही रहने दो। मतलब उस टाइम के पे जो खुशी मिलेगी ना वो अलग रहेगी, अगर पहले से पता रहेगा कि बॉय होने वाला है या गर्ल होने वाली जो भी, तो फिर उस टाइम पे क्या पता रहेगा ना, अभी डिलीवरी के लिए जाना है और क्या आने वाला है पता है हमें, गर्ल आने वाली है या बॉय आने वाला है, तो जो वो खुशी रहेगी ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। मतलब कम मतलब कि पता रहेगा ना, वो सरप्राइज नहीं रहेगा, अभी कैसे ये रहेगा क्यूरियोसिटी है क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मतलब अभी भी मन में वही चलता रहता है ना बीच बीच में, क्या होगा भाई। और उनका एक क्या मानना था कि हम एक दूसरे को सरप्राइज देते रहते, वो बात है ठीक है, यहाँ भगवान खुद हमें सरप्राइज देता है। अभी ये सब आवाज आ रहा हो तो थोड़ा इग्नोर कीजिए, शायद बाजू में काम चल रहा है। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ हम एक दूसरे को सरप्राइज देते तो हम चाहते कि इतना बड़ा सरप्राइज रहे, तो भगवान हमें इतना बड़ा सरप्राइज देता है। अभी ये सब मशीन वगैरह आए हैं कि जिसमें हम सोनोग्राफी करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें पता चल जाता है, इससे पहले पता चलता था क्या, नहीं पता चलता था। तो भगवान हमें वो सरप्राइज ही देता है ना, एक कि 9 महीने के बाद डायरेक्ट सरप्राइज आपको मिलता है, तो गर्ल हो गई या बॉय हो गया जो भी है, तो वो सरप्राइज हम क्यों खराब करें, भगवान ने दिया वो सरप्राइज। तो इसीलिए वो उनका ये मानना था, तो इसीलिए नहीं जाना हमने, लेकिन हाँ हम जान सकते थे। और अभी होता क्या है, हम जहाँ पे भी जाते हैं ना सब लोग हमें यही पूछते क्या है क्या है, लेकिन हमें पता ही नहीं, बट ठीक है और कुछ दिन फिर तो पता चल ही जाएगा कि क्या है और क्या नहीं। तो वही, और पता नहीं अभी आगे का दिन कैसा जाएगा, देखते है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, अभी मैंने चाय भी पी, दोपहर को खाना भी खा लिया, डोसा, नींद भी हो गई, अभी देखते कुछ काम होते हैं तो काम करेंगे, नहीं तो फिर आई डोंट नो, देखते मेरा आगे का दिन कैसे जाता है वो। तो गाइस देखिए क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, थोड़ी सी बारिश हुई बट ज़्यादा नहीं, बस ऐसे बूंद बूंद गिरे और तुरंत बंद भी हो गई, और मस्त हवा आ रही है बहुत ही अच्छी से। और ये देखिए, हे गाइस, तो अभी शाम के बज चुके हैं 5:30 और मैं थोड़ा रेडी हो चुकी हूँ, आप लोगों को दिख रहा है, तो मुझे एक वीडियो शूट करना था इसलिए मैं थोड़ा सा रेडी हो चुकी थी। और अभी ना यहाँ पे बारिश हुई थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी बारिश हुई, और मेरा एक वीडियो शूट करना था मुझे, वो भी हो गया। तो अभी एडिटिंग करते टाइम पता चलेगा कैसा हुआ है, क्या होता है पता है, मतलब मैं ना देखती नहीं हूँ वीडियो कैसा बना है क्या बना है, ऐसे कोई कोई लोग कैसे चेक करते होंगे कि वीडियो शूट हो गया अभी चेक कर लेते, अगर अच्छा नहीं बना तो फिर से शूट करते, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं मतलब वीडियो अभी शूट हो गया, अभी मैं डायरेक्ट एडिटिंग के टाइम पे देखूंगी कि कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है डायरेक्ट, और उस टाइम पे अगर मुझे लगा अच्छा बना है तो ठीक, नहीं बना है, और वैसे भी मोस्टली बन जाता है अच्छा। मैंने आज तक ऐसा नहीं, एक भी वीडियो नहीं हुआ कि मैंने डिलीट किया है। हाँ एक हुआ था हेयर ऑयलिंग का, वो इसीलिए मैं मुझे डिलीट करना पड़ा था, वो पूरा वीडियो शूट भी अच्छे से हुआ था, मैंने एडिटिंग भी कर ली थी उसकी, बट वो ना मैंने रात के टाइम पे शूट किया था तो वो अच्छे से मतलब दिख ही नहीं रहा था फेस वगैरह, तो इसलिए मुझे वो डिलीट करना पड़ा। और फिर वापस दो तीन दिन के बाद मैंने दोपहर में हेयर ऑयलिंग का शूट किया था, आप लोगों ने देखा था हेयर ऑयलिंग का, और मुझे उसके लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था और बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे वो वीडियो के नीचे कि मैं हेवी हेयर ऑयलिंग दिखाऊं वगैरह, लेकिन वो मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी करने की, पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं बट कोशिश ज़रूर करूंगी। और अभी देखते हैं, अभी मुझे खाना बनाना है, मेरा अभी
हो गया, वीडियो शूट करना था वो भी हो गया। और मैंने कुछ दिनों पहले कहा था एक ब्लॉग में कि मेरे काफ़ी वीडियो शूट है, अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, बट नहीं अभी मेरे कोई ज़्यादा वीडियो नहीं है, मेरे वीडियो थोड़े थोड़े कम हो गए और अभी मुझे काम करना पड़ेगा तो ही मेरे पास वीडियो रहेंगे, नहीं तो बीच में गैप पड़ सकता है, बट देखते जो भी होगा पता नहीं। और अभी शाम को बनाना है खाना, तो देखते क्या खाना बनता है, चलो देखते मैं आपके साथ आज हो सकता है मेरा डिनर रूटीन भी शेयर करूँ, तो देखते थोड़ी मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद या कुछ काम करके, देखते चलो। हे गाइस, तो अभी बज चुके रात के 9 और मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रिक कुकर में राइस बना लिया है और अभी मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ कढ़ी। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मुझे कढ़ी बनाना नहीं आता अच्छे से, मतलब मुझे प्रोसेस ही पता नहीं है कि क्या पहले डालना होता है क्या बाद में, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ वो इसीलिए क्योंकि राज ने मुझे कहा कि कढ़ी बनाओ। हमने अभी 2-3 दिन पहले कढ़ी और राइस बनाया था, मतलब राज ने बनाया था कढ़ी, राज ने कढ़ी बनाई थी, मैंने राइस बनाया था, तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, मुझे भी पसंद आया था और राज को भी। तो फिर राज ने कहा कि कढ़ी और राइस बनाओ, तो मुझे कढ़ी बनाना आता नहीं है लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ, और राज आने के बाद वो बना सकते थे लेकिन आज उनको थोड़ा सा लेट होने वाला है, तो इसीलिए। तो अगर आप लोगों को इसकी प्रोसेस पता होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको लगता होगा मुझे नहीं आता है तो इसके लिए डिसलाइक मत कर दीजिए, मैंने पहले ही सामने से बोल दिया कि मुझे सच में नहीं आता है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ। और आप लोगों को पता है मैं वॉइस ओवर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि रात के टाइम पे कैमरा फेस कैमरा अच्छे से कैच नहीं होता है, लाइट का प्रॉब्लम, इसीलिए तो मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर ही कर लूँ। तो आप देखिए मेरी कढ़ी बनाने की प्रोसेस मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो राज ने मुझे बोला पहले ऑयल डालना, फिर उसके बाद जीरा डालना, फिर रेड मिर्च डालना, उन्होंने ऐसे डाला था, और उन्होंने बोला कि बेसन और दही मिक्स करना। अब एक्चुअली मुझे ना उसका अंदाज़ नहीं आया कि कितना लेना चाहिए, थोड़ा सा लेना है कि ज़्यादा लेना है वो समझ नहीं आया, तो मैंने ले लिया फिर भी अपने हिसाब से, और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और अभी मैं डाल दूँगी वो बेसन और दही का जो मैंने मिक्स किया था वो। सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया है कि वो कैसी बनती कढ़ी, मतलब मैंने कभी बनाई नहीं थी, मैं ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ कढ़ी और बनाती भी नहीं थी इसीलिए, लेकिन उस दिन हमने बनाई तो हमें पसंद आई। और राज को भी ना अचानक कभी भी कुछ भी पसंद आ जाता है, अगर डायरेक्ट बनाया तो नहीं खाते, तो इसीलिए तो मैंने वो डाल दिया दही और क्या बेसन और पानी डाल दिया। सच में मुझे आइडिया नहीं बिल्कुल भी कैसे बनता है। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक डाल के मिक्स कर दूँगी, और मुझे इतना पता है बस कि कढ़ी को क्या हिलाते रहते रहना चाहिए क्योंकि वो ख़राब क्या हो जाती है, कुछ तो हो जाती है, इसीलिए मराठी में हमारे बोलते हैं कि ना मतलब दूध जैसे ख़राब हो जाता है वैसे कढ़ी भी ख़राब होती है, ऐसे तो मराठी में बोलते हैं नाश्ते ऐसा कुछ तो बोलते, तो उसको हिलाते रहना चाहिए ऐसा मुझे पता है, बाकी तो मुझे पता नहीं। तो अगर मेरी प्रोसेस गलत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, डिसलाइक मत कीजिए, और अगर सही प्रोसेस से बनाए तो ये भी बताइए क्योंकि मुझे पता नहीं प्रोसेस सही में। तो ये मैं अभी थोड़ा सा हिलाते रहूँगी उतने में मेरी कढ़ी बन जाएगी, और फिर देखिए आप मेरी हो गई कढ़ी। और आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।